हे ब्यूटीफुल, चलो बनाए इंडिपेंडेंस के लिए यार्डिंग, जिसके लिए आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए हो। रियली ऐसे कमेंट्स मिल जाए ना तो वीडियो बनाने का एनर्जी हाई लेवल का हो जाती है। मैंने इधर सबसे पहले थीन कार्डबोर्ड शीट के ऊपर इयररिंग की पैटर्न ड्रॉ करके कटआउट कर लिया हूं। देन मैंने ले लिया ऑरेंज कलर थ्रेड, जिसको मैं 15 टाइम फोल्ड कर लूंगी। और हाँ, आप लोगों में से काफी लोगों ने इंडिपेंडेंस डे के लिए बहुत सारे डीआई की रिक्वेस्ट की हो। मैं वन बाय वन सारे वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगी। देन हमने जो पैटर्न कट कर लिया उसी में ग्लू लगा के थ्रेड को राउंड राउंड घुमाते हुए थीन कार्डबोर्ड शीट को कवर कर देनी है। इसी तरह व्हाइट गेंद टोटल 3 कलर के थ्रेड से कार्डबोर्ड शीट को पूरा का पूरा कवर कर देनी है। तब तक आप लोग कमेंट में बताओ आप लोग मेरी वीडियो कौन सी स्टेट से वॉच कर रहे हो। चलो आज की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो जय हिंद। कल के वीडियो के लिए इतने सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि दी इंडिपेंडेंस के लिए यार्डिंग वीडियो लेके आओ। मैं इतने सारे लोगों के नाम स्क्रीन में मेंशन तो नहीं कर पाई, बट सबको दिल से थैंक यू। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को बिना ही सब्सक्राइब करके वीडियो देख के चले जाते हो, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर देना। अगर आप चाहते हो स्कूल प्रोग्राम में सारे फ्रेंड्स सेम टू सेम ज्वेलरी वेयर करना, तो मेरे इस वीडियो को आपके उसी फ्रेंड के साथ शेयर करो जिनके साथ आप मैचिंग ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी वेयर करना पसंद करोगे। देन मेरे इधर थीन कार्डबोर्ड शीट 3 कलर से कवर हो चुकी है। फिर इसके चारों साइड ग्लू लगा के हमें ले लेनी है राइनस्टोन चेन। फिर ग्लू के अकॉर्डिंग राइनस्टोन चेन को भी स्टिक करती जानी है। और हाँ, ऊपर के साइड थोड़ी हमें छोड़ देनी है। हमारे बचपन में ना ही यूट्यूब की क्रेज थी, ना ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी रेडी करने के लिए हेल्प करने वाली। आप लोग तो बहुत लकी हो, ये वीडियो वॉच करके घर पे बैठ के रेडी कर सकते हो। फिर मैंने लिया एक वैक्स स्ट्रिप और हाफ कट बीट्स। ग्लू की हेल्प से हाफ कट बीट्स को वैक्स स्ट्रिप में स्टिक कर देनी। अगेन ले लेनी है राइनस्टोन चेन, हाफ कट बीट्स के चारों तरफ स्टिक कर दो। ड्राई हो जाने के बाद इसको नीटली कट आउट कर लो। फिर हमने जो इयररिंग बेस की टॉप साइड को छोड़ दिया था ना, उसी में ग्लू लगा के ए वाली चम्स को स्टिक कर देनी है। फिर उठा लो इयररिंग स्टड, देन बैक साइड में ग्लू लगा के इयररिंग स्टड को स्टिक कर देनी है। फिर ड्राई हो जाने के बाद रबर स्टॉपर को इंसर्ट कर दो। बस ऐसे इजी ट्रिक में रेडी हो जाएगी इंडिपेंडेंस के लिए फैंसी इयररिंग। और बताओ आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। काश मैं भी आप लोगों के जैसे स्टूडेंट होती, कम से कम सबके सामने फ्लॉन्ट करने का मौका तो मिल जाती। तो जल्दी से रिक्रिएट करो और 15 अगस्त के दिन सबके सामने खुल के फ्लॉन्ट करो। ऐसी ज्वेलरी तो मार्केट में नहीं मिलती, अगर मिल भी जाते हो तो काफी कॉस्टली होती। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।